नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में। मेरे इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग होती क्या है। यूएमएल डायग्राम से हम समझेंगे कि कैसे हम ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग को क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर इसी का ही हम सी प्लस में प्रोग्राम बनाएंगे और बात करेंगे अगली वीडियो के बारे में। फंक्शन ओवरराइडिंग, जब हम किसी फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन देते हैं उसके प्रोटोटाइप को चेंज करके। प्रोटोटाइप मतलब या तो हम नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर ले या उनका डेटा टाइप चेंज कर ले। रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग में कोई मतलब नहीं है। अब हम ओवरलोडिंग सेम क्लास में भी कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास में भी कर सकते हैं। ओवरलोडिंग आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसे हम कहते हैं अर्लियर स्टैटिक माइनिंग। मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी कंपाइलर डिसाइड करता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है। ओवरराइडिंग, जब हम पेरेंट के फंक्शन को सेम वैसे ही प्रोटोटाइप में चाइल्ड में रीडिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग। यहाँ पे फंक्शन नेम भी सेम रहेगा, पैरामीटर्स भी सेम रहेंगे और रिटर्न टाइप भी सेम रहेगा। ओवरराइडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में काउंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डायनेमिकल एज बाइंडिंग। यानी वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट हम ओवरराइडिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वो यूएमएल डायग्राम है जो अभी आपको मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। तो हम बनाएंगे क्लास ए, जिसमें दो शो फंक्शन बनाएंगे। आप देख सकते हैं पहले शो फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है लेकिन दूसरे में पैरामीटर है, तो वो ओवरलोडिंग हो गई। हम बनाएंगे क्लास बी जो ए से इनहेरिट होगी। अब यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे शो फंक्शन। अब क्योंकि बी ए की चाइल्ड है और हमने सेम वैसे ही सिग्नेचर रखा है तो ये ओवरराइडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंत में हम एक और शो फंक्शन बनाएंगे जिसमें लिखेंगे डबल एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो गया तो ये ओवरलोडिंग है। जब हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे तो दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ए का ऑब्जेक्ट ओबीजे वन, एक बी का ऑब्जेक्ट ओबीजे टू। और फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे शो शो फाइव, जिससे कि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट टू के साथ शो और शो 5.5 कॉल करेंगे। अब इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए आप कोड बॉक्स या टर्बो सी जो आप चाहे यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ कोड बॉक्स का। अब जैसा हमने फिगर देखा सेम वैसा ही मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। तो क्लास ए में बनाना था शो फंक्शन, जिसमें लिखना था ए का शो। अब इसी तरह से हमें यहां पे एक और फंक्शन बनाना है जिसमें हमें एक पैरामीटर भेजना है। तो यह हो गया ओवर लोडिंग। अब हमें बनाना है क्लास बी जो एक ही चाइल्ड है। तो हमने कहा क्लास बी हमें बनाना है जो एक ही चाइल्ड है। यहां पर हमें फिर से बनाना है शो और यहां पे कहना है बी शो। तो ये कहलाएगा ओवर राइडिंग। अंत में हमने यहां पे एक और फंक्शन बना दिया फ्रेंड्स, जिसमें डबल लिख दिया। तो यहां पे ये हो गया ओवर लोडिंग। अब समय आ चुका है मेन प्रोग्राम बनाने का। मेन प्रोग्राम में हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास ए का और एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास बी का और हमें कॉल करना है ऑब्जेक्ट वन पे फंक्शंस को। तो ऑब्जेक्ट वन पे हमने शो कॉल किया, फिर हमने कॉल किया शो फाइव। फिर इसी तरह से हमें ऑब्जेक्ट टू पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और शो 5.5। अब जैसा हमने फिगर देखा था सेम वैसे ही प्रोग्राम तैयार हो चुका है। इसे रन करके देख लेते हैं। आप इसे जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं। देना होगा और यह देना होगा बी शो डबल। फिर से इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मिल रहा है बी शो डबल। दोस्तों अगले वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, वर्चुअल फंक्शन और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन प्योर वर्चुअल फंक्शन।
तो शुक्रिया दोस्तों, आज बस यहीं तक।